दोस्तों, मेरे सारे वीडियो में एक कमेंट बहुत कॉमन आता है कि आनंद भाई, आपकी एंग्जाइटी में आपके 30-35 सिम्टम्स थे, आपने इतने सिम्टम्स को फेस किया, फिर भी आपकी एंग्जाइटी ठीक हो गई, आपकी कंडीशन कुछ ऐसी थी, फिर भी आप ठीक हो गए। लेकिन मेरे 10 सिम्टम्स हैं, 5 सिम्टम्स हैं, 2 सिम्टम्स हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम मैं 2 साल से फंसा हुआ हूँ, 3 साल से फंसा हुआ हूँ, 5 साल से फंसा हुआ हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है और मेरी एंग्जाइटी ठीक क्यों नहीं हो रही है, ये लोग पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके इन सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि आपकी एंग्जाइटी ठीक क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और आपको एंग्जाइटी अगर ठीक करनी है तो किन चीज़ों पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी बताऊंगा आपको मैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि देखो, जो मेरी कंडीशन थी ना, 35-40 सिम्टम्स को फेस करना कोई नॉर्मल नहीं होता, वो भी मैंने कम से कम 15-16 मंथ तक फेस किया था, लेकिन फिर भी मैं इन सब से बाहर आया और आज मुझे ठीक हुए अप्रॉक्स 3.5 साल से ऊपर हो गए। तो मैं बस सारा कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, छोटा से छोटा पॉइंट भी, कि अगर आप इससे ठीक नहीं हो पा रहे हो तो इसको देख के थोड़ा सा मोटिवेट होके अपने ऊपर और बेहतर काम कर सको। तो चलो यार, अब हम लोग बात करते हैं उस छोटे रीज़न के बारे में जिसके वजह से, जिस पे मैंने ध्यान दिया तो मेरी एंग्जाइटी ठीक हो गई, और आप उसको इग्नोर कर रहे हो जिसके वजह से अभी तक आप एंग्जाइटी में फंसे हुए हो। देखो, प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी, ठीक है, 35-40 सिम्टम्स मुझे भी थे, मैंने इसको कम से कम 16-17 महीने फेस किया था, ठीक है, पूरे दिन रात फेस किया था मैंने, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं थे जिसको मैंने फेस नहीं किया था। मैंने सारे सिम्टम्स पे डिटेल में वीडियो बनाया है मेरे 35+ सिम्टम्स के बारे में। बट अब देखो, एक चीज़ क्या है ना, एक तो है कि आप बस इसको फेस करते जाओ, फेस करते जाओ, फेस करते जाओ, आप इसको इग्नोर करते जाओ आज कल परसों के चक्कर में कि हाँ चलो यार, आज ये ट्राई करके देखता हूँ, कल ये ट्राई करके देखता हूँ, परसों ये ट्राई करके देखता हूँ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो, आपको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। देखो, इसको समझने के लिए ना पहले आप ये समझो कि एंग्जाइटी है क्या। देखो, एंग्जाइटी क्या है ना, कि एक कुआं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलो एक कुआं है, उसमें आप गिरे हुए हो, बाहर आने कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, और आप चाह रहे हो ना कि मैं उससे बाहर आऊँ, ठीक है, आप कितना भी ट्राई कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई आपको रस्सी फेंकता है नीचे, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको मैं किससे जोड़ रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, ये आप समझना। कोई आपको रस्सी नीचे फेंकता है और आपको बोलता है भाई इस रस्सी को पकड़ के बाहर निकलो, ठीक है, आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो, फिर एक बंदा और आता है और आपको उधर से रस्सी गिराता है कि हाँ भाई इससे भी आ जाओ ऊपर, आप उस रस्सी को आधे पे छोड़ के वापस जाते हो और इस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगते हो, और ये चीज़ आप रिपीट करते रहते हो। आप एक बात बताओ कि आप ऐसे करके कभी ठीक हो सकते हो, कभी ठीक नहीं हो सकते हो। मैं एग्जाम्पल क्यों दिया ये समझो आप। अब बहुत सारे लड़के क्या करते हैं ना, चाहे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एंग्जाइटी पे वर्क करना, योगा, मेडिटेशन, डाइट चेंज स्टार्ट करते हैं, उनको 10 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिलता है, छोड़ देते हैं। दूसरा क्या होता है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर 10 दिन में भाग के दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर 10 दिन में भाग के तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं कि आनंद भाई थोड़ा बहुत गाइड कर दो, मैं कैसे क्या करूँ इस पर, ठीक है। फिर 10 दिन बाद किसी और के पास जाते हैं, अब किसी और के पास जाते हैं, उनके बाद से फिर एक मंथ बाद भाग के मेरे पास आते हैं। भाई एक चीज़ मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ऐसे में आपकी एंग्जाइटी आज क्या, 10 साल बाद भी ठीक नहीं हो सकती। मैंने खुद पे कैसे वर्क किया है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सुनना, मतलब अगर हिम्मत है ना तो करना इस चीज़ को, अपने आप को ना मोटिवेट करना इस चीज़ को करने के लिए। अब देखो, जब मुझे समझ में आ गया था कि मुझे एंग्जाइटी है, डॉक्टर के पास भागने के बाद, मतलब YouTube पे सर्च करने के बाद, जब मैं समझ गया था कि नहीं, मुझे ना कहीं से कोई हेल्प नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मन होता है मैं सुसाइड कर लूँ, मतलब कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा। लिटरली आप लोगों के पास ना मेरा ये वीडियो पहुँच रहा है, ठीक है, लेकिन मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब मुझे एंग्जाइटी थी। एक सिंगल YouTube पे वीडियो नहीं था जो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने बनाया हो कि मुझे इससे एंग्जाइटी हुई थी। और मतलब अभी क्या होता है ना कि एंग्जाइटी जब मुझे हुई थी ना, तो मैं जो बताता हूँ आप उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हो अपने आप से। तो मुझे ना उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, YouTube पे भी नहीं मिला था, YouTube इंडिया पे उस टाइम वीडियोस कोई ऐसे बना ही नहीं रहा था जिसने ये बताया हो कि मैं एंग्जाइटी से रिकवर किया हूँ और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है। अब डॉक्टर्स की बात कितनी समझ में आती है एंग्जाइटी में, तो आपको पता है हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ यार ये मतलब एंग्जाइटी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसके वजह से हो रही है। हम लोग ना डॉक्टर को चेंज करते रहते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है।
तो यार जब सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, सारे जगह मैंने घूम लिया ना, तो मैंने खुद सोचा कि आनंद देखो यार, सब जगह तुमने घूम लिया, कुछ तुम्हें मिल नहीं रहा है, अब थोड़ा कुछ तुम भी ट्राई कर लो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इस पे ये बोलते हैं कि यार मेरा मन कर रहा है सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ। तो ये चीज़ ना मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि एंगजाइटी में सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा वो करके, इससे अच्छा कुछ मेहनत कर लो, मैं ये आपको बता रहा हूँ अभी। अब देखो क्या है ना कि जब मैं समझ गया कि ये कोई एंगजाइटी ऐसा है, डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहे हैं कि भाई डाइट फॉलो करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, तुम ऐसे ठीक हो सकते हो, अपना डाउट क्लियर रखो। अब देखो डाउट क्लियर करने वाला पार्ट कैसे किया मैंने, ये आप समझो। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने ट्राई किया कि हाँ अपना डाइट फॉलो करने का, योगा, मेडिटेशन, अपना डाउट क्लियर, बातों को शेयर करना। तो इसको करने के बाद ना मैं ये देख रहा था कि यार 10 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा, 20 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा, 30 दिन में रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है, और मैं फिर छोड़ दे रहा था उसको, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो एंग्जाइटी जो आपकी है ना, वो ब्रेन पैटर्न बनी हुई है, ठीक है। आप इतने दिन से निगेटिव सोचते आ रहे हो, आपका माइंडसेट इतने दिन से निगेटिव है, इसको चेंज करने में टाइम लगेगा, ठीक है। जो चीज़ आप खुद सोचो कि जो चीज़ 1 साल से आपकी खराब होके बैठी है, जो चीज़ आपकी 2 साल से खराब होके बैठी है, वो चीज़ क्या 1 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम ऐसे नहीं देना है कि आप कोई चीज़ 10 दिन फॉलो कर रहे हो, फिर 10 दिन बाद आपने चेंज कर दिया, फिर 20 दिन बाद आपने चेंज कर दिया, क्योंकि एंग्जाइटी में क्या होता है ना, कहाँ से मुझे जल्दी रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो एंग्जाइटी को ठीक करने का मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कोई भी शॉर्टकट इस पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि एंग्जाइटी जो भी होती है ना, यहाँ से होती है, हमारा जो होता है ना माइंडसेट पूरा निगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि सही गाइडेंस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डाउट क्लियर, अपने माइंड से जो अगर आपका कंटिन्यूअसली डाउट क्लियर किया जाए, आपको पॉजिटिव रखा जाए, ठीक है। मैंने इस चीज़ को खुद फील किया है कि ऐसा अगर आपके साथ किया जाए, आप सही से डाइट फॉलो करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट होती है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आनंद भाई आपको कितने दिन में इम्प्रूवमेंट फील होनी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुई थी ना, तो वो कम से कम जब 1 मंथ या फिर 1.5 मंथ मैंने फॉलो किया था, डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस किया था मैंने, तो मेरे एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स थे उसमें स्लाइटली चेंजेस मेरे को फील हुआ था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो वहाँ पे मुझे चेंजेस आए थे ना मेरे में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। और ये क्यों होता है मैं आपको समझो, अब आप खुद समझ लो यार, जो इंसान पूरे 1 साल से इसमें फंसा हुआ है, 1.5 साल से इसमें फंसा हुआ है, तो वहाँ से क्या है ना कि उसको अगर थोड़ी सी ऐसे आशा की किरण दिखती है, ठीक है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो ठीक हो रहा है, तो वो बंदा तो फिर मोटिवेट होएगा ही ना। फिर वहाँ से मुड़ के, मैंने ना पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, मुझे लगा कि यहाँ से मुझे सही फील हो रहा है, यहाँ से मैं ठीक हो सकता हूँ, मैंने उस चीज़ को कंटिन्यूअसली किया, मतलब कंटिन्यूअसली किया, मेरे सिम्टम्स फिर वापस भी आए, फिर गए, मैं समझता रहा कि हाँ यार ये एंगजाइटी का पैटर्न है, ठीक है। और इसको समझने के बाद मैं वो चीज़ को कंटिन्यूअसली करता रहा, जहाँ जहाँ मेरे सिम्टम्स कम होते या फिर वहाँ सिम्टम्स बढ़ते थे, मैं डाइट को स्लाइटली चेंज करता था, ठीक है। अब ऐसे करते करते ना मुझे बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ गया था 3 से 4 महीने में। अब मैं फिर से बता रहा हूँ, आप 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इस 3 से 4 मंथ में अगर मैं डॉक्टर डॉक्टर बदलता रहता तो क्या मैं ठीक हो पाता? नहीं। अब देखो बहुत सारे लोग की ना, आपने इस चैनल पे रिकवरी स्टोरी देखी होगी, अब आप लोग ना इस चैनल पे एंग्जाइटी रिकवरी स्टोरी तो देखते हो, लेकिन सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो पता है, उस वीडियोज़ में आप ये मिस कर देते हो कि यार सबने ना कंसिस्टेंसी दिखाई है अगर उनको एंग्जाइटी से ठीक होना है तो। जितने लोग भी ठीक हुए हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ, ऐसा नहीं कि आज वो कहीं और गए, 10 दिन बाद कहीं और, 15 दिन बाद कहीं और। एक बात बताऊं मैं आपको, जहां से आपके 10 सिम्टम्स से 5 सिम्टम्स ठीक हुए हैं ना, वहीं पे आपका 5 सिम्टम्स और ठीक होगा, ठीक है, लेकिन उसको टिकना पड़ेगा, ठीक है, आपको टिकना पड़ेगा उस जगह पे, एक जगह पे जो कि आपको हेल्प कर सके, ठीक है, जो कि आपके लिए जरूरी है। अब कोई पैटर्न अगर साल भर में, 2 साल में, 3 साल में बनी है, तो वो 1 दिन, 10 दिन या 15 दिन में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप ये गलती करते हो तो आज से इसको बंद कर दो, क्योंकि अगर आप ये करते रहोगे ना, तो भाई आपकी एंग्जाइटी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी ठीक नहीं होने वाली है, कभी नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है ये आपको सबको पता है, कितने सिम्टम्स थे मेरे, मैं कैसे रिकवर हुआ हूँ, ये सारा कुछ अगर आपको देखना है तो आप सिर्फ एक काम करो, मेरे पहला वीडियो जो मैंने बनाया है ना, वो वीडियो जाके देख लो और इस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा इम्प्रूवमेंट तो होती है,
उसमें टाइम लगता है। और ये आपको समझना होगा, अगर आपको एंजाइटी ठीक करना है तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। और अगर आपको एंजाइटी ठीक करना है ना, तो ये आपके लिए फ्यूचर में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में जो आपको बताना चाहता हूँ मैं, वो यही बताना चाहता हूँ कि चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, चाहे आप किसी और पर्सन के पास जा रहे हो, चाहे आप मेरे पास आ रहे हो कि आनंद भाई मुझे कुछ गाइड कर दो, ठीक है, तो कम से कम ना वहाँ टिको, वहाँ रुको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके 10 दिन में, 15 दिन में, एक महीने में रिजल्ट आ जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर मैं आज ऐसा करता तो मैं भी आपके भीड़ में बैठा रहता, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता रहता, ये वीडियो आपके पास नहीं आती। फिर ये चीज़ गलती आप लोग करते हो और ये चीज़ सुधारो आज से, ठीक है। अगर आप मेरे पास भी आते हो, आपको बॉडी में कोई इशू नहीं, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि नहीं आपको कोई इशू नहीं है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अगर मैं इसी से ठीक हुआ हूँ ना, इतने सिम्टम्स को फेस करके, तो आपको जो मैं गाइड करूँगा कहीं ना कहीं उसको सही बताऊँगा मैं। तो आपको जो मैं गाइड करूँगा ना, वो कहीं ना कहीं मैं सही बता रहा हूँ, तभी मैं आज इस चीज़ से निकल पाया हूँ। तो उस चीज़ को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप उसको इग्नोर करते हो कि हाँ यार चलो कभी और देख लेंगे, चाहे कभी और कर लेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये है ना कि अपने एंग्जाइटी को आप क्रोनिक बना रहे हो और इस चीज़ को बढ़ा रहे हो और ज़्यादा। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो, ठीक है, चाहे आप किसी डॉक्टर के पास हो, चाहे मेरे पास हो, चाहे कहीं भी हो, ठीक है, तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो। और आप थोड़ा ये देखो कि इसमें टाइम लगता है, आप बिल्कुल टाइम निकाल के आओ कि हाँ यार एक टाइम पीरियड बना लो, कम से कम 3 से 4 महीने मेरे को एंग्जाइटी ठीक करने में लगाने हैं, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो आप वो करते रहो, या फिर अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो आप यही स्टार्ट करो कि मुझे एंग्जाइटी ठीक करना है। आप अगर सीरियसली लोगे, एक जगह पे रुकोगे, उसको ढंग से करोगे, और सबसे बड़ा क्या है ना कि एक्सेप्टेंस, एंग्जाइटी को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ये एंग्जाइटी है, डॉक्टर ने एक बार बोल दिया है एंग्जाइटी है, मतलब एंग्जाइटी है, ठीक है। और देखो आप बोलोगे कि नहीं आनंद भाई तुमने तो इतने टेस्ट करवाए थे, भाई देखो ऐसी है बात कि मैं टेस्ट करवाया था ना तभी आपको बोल रहा हूँ कि आप मत करवाओ। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं ना रुक जाओ, मतलब रुक जाओ, ठीक है, और बर्बाद मत करो अपने आप को, अपने पैसे को, या फिर जो भी हो, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लो, इस पर काम करो, चीज़ें ठीक हो जाएगी। आप यहाँ से वहाँ भागते रहोगे तो चीज़ें कुछ नहीं ठीक होगी, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि ये मैं करके देख चुका हूँ एंग्जाइटी के टाइम में। तो यार आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोगों को ये बता दूं ना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक महीने करने पे आपकी एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी, या फिर 100% आप ठीक हो जाओगे, एकदम से बिल्कुल चेंजेस आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे सब कुछ होता है। तो यार आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, और आप जो है ना इस बातों को जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको थोड़ा सीरियसली जरूर लोगे अगर आपको एंग्जाइटी ठीक करना है। तो चलो यार अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।